गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, टुडे आई विल टीच यू सेकेंड चैप्टर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स विच इज कंज्यूमर बिहेवियर। कंज्यूमर बिहेवियर In this chapter, we see the consumer equilibrium, okay? Firstly, we should know who is consumer. Then, definition of consumer is a person who consume goods and services for his satisfaction. That is called consumer. Okay? Consumer buy the goods and services for his maximum satisfaction. Generally, he consume many type of goods. Okay. A consumer get the maximum satisfaction from goods and he does not change his behavior, it shows that he is in equilibrium. इक्विलिब्रियम क्या है और कंज्यूमर क्या है? तो कंज्यूमर वो है जो अपने सेटिस्फैक्शन के लिए डिफरेंट टाइप ऑफ गुड्स को कंज्यूम करता है। और इक्विलिब्रियम क्या है? इक्विलिब्रियम ये शो करता है कि कंज्यूमर जब किसी गुड्स के कंज्यूम करता है तो उसका जो मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन होगा उस गुड का, जिसके बाद फिर उससे ज्यादा उसे सेटिस्फैक्शन नहीं मिल सकती है, तो वो जो मैक्सिमम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन है उसी को इक्विलिब्रियम कहते हैं। क्लियर है? अब आते हैं कि कंज्यूमर बिहेवियर जो होता है वो दो टाइप का होता है। ओके? और वो टाइप कौन कौन से हैं? तो पहला है, कंज्यूमर बिहेवियर को मेजर करने के लिए यूटिलिटी एनालिसिस किया जाता है, और दूसरा अप्रोच है जो कंज्यूमर बिहेवियर को मेजर करता है वो है आईसी, इनडिफरेंस कर्व अप्रोच। क्लियर है? और ये जो पहला यूटिलिटी एनालिसिस है इसे कार्डिनल अप्रोच कहते हैं। क्लियर है? जिसे मार्शल ने बताया था। सेकेंड वन जो आईसी अप्रोच है, मीन्स इनडिफरेंस कर्व अप्रोच जो है उसे आर्डिनल अप्रोच कहते हैं, और उसे हिक्स ने बताया था। ठीक है? तो ये जो दो अप्रोचेस हैं, पहला यूटिलिटी अप्रोच, सेकेंड आईसी अप्रोच मीन्स इनडिफरेंस कर्व अप्रोच। यूटिलिटी को मार्शल ने बताया था, आईसी अप्रोच को हिक्स ने डिराइव किया था। यूटिलिटी अप्रोच को कार्डिनल अप्रोच भी कहते हैं, और आईसी मींस इनडिफरेंस कर्व अप्रोच को ऑर्डिनल अप्रोच भी कहते हैं।
तो ये जो यूटिलिटी है, यूटिलिटी क्या है, ये क्या शो करता है यूटिलिटी? तो यूटिलिटी जो है वो वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ कमोडिटी इज कॉल्ड यूटिलिटी। मतलब क्या है कि यूटिलिटी सेटिस्फाइंग पावर को बताता है कि कितना सेटिस्फाई एक कंज्यूमर किसी भी गुड्स के कंज्यूम करने से हो रहा है। क्लियर है? तो यूटिलिटी मीन्स सेटिस्फैक्शन, और सेटिस्फैक्शन किसकी है? कंज्यूमर की है। क्यों है? किसी गुड्स को कंज्यूम करने की दशा में। क्लियर है? अब आते हैं कि ये जो यूटिलिटी एनालिसिस है, जिसे कार्डिनल अप्रोच भी कहते हैं, ये यूटिलिटी एनालिसिस में करते क्या हैं? तो यूटिलिटी एनालिसिस में व्हेन यूटिलिटी कैन बी मेजर इन द फॉर्म ऑफ नंबर्स लाइक 1, 2, 3, 4 एक्सेट्रा, जब हम यूटिलिटी को, सेटिस्फैक्शन को नंबर्स में मेजर करें कि हमें किसी भी गुड्स के कंज्यूम करने से कितना सेटिस्फैक्शन मिला, तो 1 सेटिस्फैक्शन मिला, 2 सेटिस्फैक्शन मिला, 3 सेटिस्फैक्शन मिला, उसे हम कार्डिनल अप्रोच कहते हैं। सेकेंड वन आईसी अप्रोच, जिसे ऑर्डिनल अप्रोच भी कहते हैं। इस ऑर्डिनल अप्रोच में क्या है? तो व्हेन यूटिलिटी कैन बी रैंक्ड इन द फॉर्म ऑफ फर्स्ट रैंक, सेकंड रैंक, थर्ड रैंक एंड फोर्थ रैंक इज कॉल्ड ऑर्डिनल अप्रोच। क्लियर है? अब आते हैं कि ये जो अप्रोचेस हैं, कौन से? कार्डिनल अप्रोच एंड ऑर्डिनल अप्रोच। इसमें हम कंज्यूमर के बिहेवियर को शो करते हैं कि उसको किसी भी गुड्स के कंज्यूम करने से कितना सेटिस्फैक्शन मिलता है, कितनी यूटिलिटी मिलती है, और इस यूटिलिटी को हम यूटिल्स में काउंट करते हैं। मींस जैसे कोई कंज्यूमर है और उसे प्यास लगी है और वो पानी पीने जाता है, जब प्यास लगी रहेगी और वो पानी पीने जाता है तो 1 ग्लास पानी पिएगा वो, तो जितना ग्लास वो पानी पी रहा है उसको उस ग्लास में जितना पानी पिया उसके बराबर उसे कुछ सेटिस्फैक्शन मिलेगा। वो सेटिस्फैक्शन जब हम नंबर में बताते हैं तो उसे कहते हैं कार्डिनल अप्रोच। मींस हमें 10 यूटिल्स के बराबर सेटिस्फैक्शन मिला, 20 यूटिल्स के बराबर सेटिस्फैक्शन मिला, 50 यूटिल्स के बराबर हमें 1 ग्लास पानी पीने से सेटिस्फैक्शन मिला। ये है कार्डिनल अप्रोच। ऑर्डिनल अप्रोच में क्या कहता है? ऑर्डिनल अप्रोच कहता है कि जो ग्लास का पानी पिया और उससे जो हमें सेटिस्फैक्शन मिला, वो सेटिस्फैक्शन सारे सेटिस्फैक्शन में फर्स्ट पोजीशन पे है, क्योंकि अगर वो पानी ना पीते तो हमें लग रहा था कि जान ही निकल जाएगी। तो ये जो रैंकिंग बताया जाता है उसे ऑर्डिनल अप्रोच कहते हैं, जिसे हिक्स ने डिराइव किया था, और जिसमें काउंटिंग बताया जाता है कि कितने नंबर का हमें, कितने यूटिल्स हमें सेटिस्फैक्शन मिला है किसी भी गुड्स के कंज्यूम करने से, उसको मार्शल ने डिराइव किया था। क्लियर है? को बाई कर रहा है
जिसमें हम देख रहे हैं कि वो यहाँ पे ये क्वांटिटी है गुड्स की, एक क्वांटिटी को बाई किया, टू क्वांटिटी को बाई किया, थ्री क्वांटिटी को बाई किया, फोर क्वांटिटी को बाई किया, फाइव क्वांटिटी को बाई करके कंज्यूम कर रहा है। अब इस क्वांटिटी को जब वो एक क्वांटिटी वन क्वांटिटी को बाई कर रहा था तो उसे एट यूटिल्स का सेटिस्फैक्शन मिला, ठीक है। जब वो टू क्वांटिटी को कंज्यूम कर रहा है तो वो सिक्स यूटिल्स का सेटिस्फैक्शन पा रहा है। मीन्स फर्स्ट कमोडिटी को बाई करने के बाद उसे एट यूटिल का सेटिस्फैक्शन मिला, जैसे ही उसने सेकंड को कंज्यूम किया वैसे ही उसे नेक्स्ट सिक्स यूटिल्स का सेटिस्फैक्शन मिल रहा है। तो इसमें शो क्या कर रहा है, ये जैसे जैसे हम कंज्यूम करते जाते हैं वैसे वैसे हमें सेटिस्फैक्शन, एडिशनल सेटिस्फैक्शन मिलता जाता है। एक कमोडिटी के बाई में एट एडिशनल यूटिल्स का हमें सेटिस्फैक्शन मिला, टू गुड्स के कंजम्पशन में हमें सिक्स एडिशनल यूटिल्स का सेटिस्फैक्शन मिला। यूटिल्स क्या है, यूटिलिटी को मेजर करने के लिए जो मेजरमेंट होता है उसे यूटिल्स कहते हैं, क्लियर है। तो यहां पर हम देख रहे हैं कि एम यू गुड्स के कंजम्पशंस में हमें एडिशनल सेटिस्फैक्शन दे रहे हैं, क्लियर है। अब आते हैं ये टी यू क्या है, तो मैंने पहले भी बताया है कि टी यू क्या है, टी यू इज इक्वल टू सम ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी, मींस मार्जिनल यूटिलिटी का सम टोटल ही टोटल यूटिलिटी कहलाता है, क्लियर है। जैसे इस एग्जाम्पल में एक कमोडिटी को हमने जब कंज्यूम किया था तो एट यूटिल्स का हमें मार्जिनल यूटिलिटी मिल रहा था, मतलब एट एडिशनल यूटिलिटी हमें मिली है, एट एडिशनल सेटिस्फैक्शन हमको मिला है, तो उसका सम जो होगा टोटल जो होगा वो एट ही होगा। सेकेंड गुड का जब हम कंजम्पशन करेंगे तो ये हमें एडिशनल सिक्स यूटिल्स का मार्जिनल यूटिलिटी दे रहा है, और जब हम इसको टोटल करेंगे तो पहले गुड में एट था, सेकेंड गुड में सेटिस्फैक्शन सिक्स हुआ, तो यहां पर टोटल यूटिलिटी 14 हो जाएगा। इसी तरह थर्ड में भी हमें फोर मार्जिनल यूटिलिटी मींस फोर एडिशनल सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, तो यहां पर टोटल यूटिलिटी पहले 14 था उसमें फोर ऐड कर देंगे तो ये 18 हो जाएगा। अगेन थ्री मार्जिनल यूटिलिटी में टोटल यूटिलिटी 18 प्लस 3 एंड यहां पर एम यू 2 है तो टोटल यूटिलिटी 23 हो जाएगा, क्लियर है। यहां पर हमें मार्जिनल यूटिलिटी और टोटल यूटिलिटी के बीच में एक रिलेशन देखने को मिल रहा है, ठीक है, और उसी रिलेशन से हमारे न्यूमेरिकल आते हैं जिन्हें हम सॉल्व करते हैं। तो यहां पर हम देख रहे हैं कि एक रिलेशन ये मिल रहा है, यानी कि एक फॉर्मूला हमें ये मिल रहा है टोटल यूटिलिटी या मार्जिनल यूटिलिटी निकालने के लिए, और एक यहां पर हमें दूसरा मिल रहा है, यानी कि ये सेकंड फॉर्मूला ये फर्स्ट फॉर्मूला, ठीक है। अब आते हैं पहला फॉर्मूला क्या कहता है, पहला फॉर्मूला कहता है कि एम यू एन
इज इक्वल टू टी यू एन माइनस टी यू एन माइनस वन। अब ये एम यू एन क्या है, टी यू एन क्या है, टी यू एन माइनस एन क्या, एन माइनस वन क्या है, तो इसे अभी हम अगले शेड्यूल में देखेंगे। यहां पर हम सिर्फ यही बताना चाहते हैं कि जिस नंबर का हमें मार्जिनल यूटिलिटी निकालना है, जैसे हमने पिछले शेड्यूल में देखा था कि थर्ड नंबर पे हमें कुछ मार्जिनल यूटिलिटी मिल रहा है, मींस फोर यूटिल्स, एडिशनल फोर यूटिल्स का हमें मार्जिनल यूटिलिटी निकालना है, तो अगर हमें फोर्थ नंबर का मार्जिनल यूटिलिटी निकालना हो और हमारे पास वो कितना है वो पता नहीं है, लेकिन उसकी जगह पे हमें टी यू दिया हुआ है, यानी कि टोटल यूटिलिटी दिया हुआ है, और उससे हमें मार्जिनल यूटिलिटी निकालना है, तो फोर्थ नंबर का निकालना होगा, तो टी यू एन की जगह पे टी यू फोर लिख देंगे माइनस टी यू फोर माइनस वन लिख देंगे। अब टी यू फोर पे हमारा कितना यूटिल्स का सेटिस्फैक्शन मिल रहा था, तो हमें टी यू फोर पे 18 यूटिल्स का मिल रहा था, और यहाँ पे टी यू फोर माइनस वन यानी कि वन हो जाएगा, यहाँ पे 18 माइनस वन इज इक्वल टू 17, 17 18 से जाएगा तो वन का सेटिस्फैक्शन मिलेगा, सॉरी अगेन सॉरी अगेन सॉरी, यहां पे मैं ये कहना चाह रहा था कि यहां पर जैसे ही हम फोर नंबर का एम यू निकालना है तो वैसे ही हमारा टी यू गिवन है, तो टी यू फोर इज इक्वल टू टी यू सॉरी टी यू एन माइनस वन मीन्स फोर माइनस वन, क्लियर है, यानी कि थ्री। तो यहां पर हम आते हैं एम यू फोर जब निकालना होगा, पीछे के शेड्यूल से हम देखेंगे तो टी यू फोर हमारा गिवन था 18, और टी यू फोर माइनस वन मीन्स टी यू थ्री इज इक्वल टू 14, तो एम यू फोर जो है हमारा कितना आ जाएगा 4, वो ऊपर के शेड्यूल में भी हम देख सकते हैं, क्लियर है। तो एक फॉर्मूले से हम यहां पर टी यू या एम यू निकाल सकते हैं। अगेन हमारे पास एक सेकंड भी फॉर्मूला है, इससे भी हम टी यू और एम यू को ही निकालते हैं। तो इसमें क्या है, एम यू इज इक्वल टू डेल्टा टी यू अपॉन डेल्टा क्यू। ये डेल्टा क्या डिनोट करता है, डेल्टा बताता है चेंज इन टी यू, मीन्स डेल्टा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, चेंज, चेंज किसमें, चेंज टी यू में जो चेंजेस हो रहे हैं और क्यू में जो चेंजेस हो रहे हैं वही एम यू होगा, क्लियर है। नेक्स्ट आते हैं, आप एक दूसरे शेड्यूल से हम इसे समझने की कोशिश करते हैं कि ये दूसरा शेड्यूल हमें क्या बता रहा है। यहां पर हम देखते हैं, ये सेकंड शेड्यूल में हम देख रहे हैं कि क्वांटिटी 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये इतने क्वांटिटी हैं, और इसमें या तो टी यू गिवन होगा या एम यू गिवन होगा। अगर हमें, मान लेते हैं ये सारा हाइपोथेटिकल है, तो हमने मान लिया है, एज्यूम कर लिया है कि एम यू, एक एग्जांपल लिया हुआ कि किसी भी कमोडिटी के कंज्यूम करने से किसी कंज्यूमर को, एक कमोडिटी के कंज्यूम करने से 8 एडिशनल यूटिल्स का सेटिस्फैक्शन मिल रहा, जब वहीं पर दो कमोडिटीज आ रहा है तो 6 का एडिशनल मिल रहा है, 3 में 4 का मिल रहा है, 4 में 2 यूटिल्स का मिल रहा है, 5 में 0 हो जा रहा है,
एंड जब हम सिक्स यानी कि छठे कमोडिटी को कंज्यूम कर रहे हैं तो वहाँ पर हमारा मार्जिनल यानी कि एडिशनल सेटिस्फैक्शन जो है वो माइनस में चला जा रहा है। ज़ीरो यहाँ पर क्या बता रहा है? ज़ीरो ये बता रहा है कि हम सेटिस्फाई हो चुके हैं, अब इससे ज़्यादा हम यूटिल्स का सेटिस्फैक्शन नहीं ले सकते हैं। अगर और ज़्यादा कमोडिटी को हम कंज्यूम करेंगे यहाँ पर तो हमारी यूटिलिटी, हमारी सेटिस्फैक्शन जो है वो माइनस में चली जाएगी। और जब ये एम यू गिवन होगा तो इससे हम टी यू ईजिली निकाल लेंगे, क्योंकि फर्स्ट में हमारा क्या है, 8 का एम यू है, मार्जिनल यूटिलिटी है, तो टी यू भी उसका टोटल 8 ही होगा। बट जब हम सेकंड कंजम्पशन करेंगे तो यहाँ पर हमें 6 यूटिल्स का हो रहा है, तो 8 प्लस 6 इज इक्वल टू 14। अगेन थर्ड में 4 एडिशनल हो रहा है तो वो टी यू 18 हो जाएगा। अगेन 2 एडिशनल हो रहा है तो टी यू 20 हो जाएगा। अगेन 0 एडिशनल हो रहा है तो वो 20 हो जाएगा। और यहाँ पर माइनस 2 हो रहा है तो ये 18 हो जाएगा। तो इस शेड्यूल में हमें एक चीज़ देखने को मिल रही है। क्या देखने को मिल रही है? कि ये जो हमारा टी यू है, ये जो हमारा टी यू है वो एक ऑर्डर फॉर्म में इंक्रीज कर रहा है और एम यू हमारा डिक्रीज कर रहा है। यानी कि जैसे जैसे हम कमोडिटी का कंजम्पशन करते जाते हैं वैसे हमारा एडिशनल सेटिस्फैक्शन जो है वो डिक्रीज करता जाता है। मीन्स अगर हम बहुत प्यासे होंगे तो एक ग्लास पानी जो पहला ग्लास का पानी पियेंगे उसमें हमें सेटिस्फैक्शन बहुत मिलेगा, बट जब हम सेकेंड ग्लास का पानी यूज़ करेंगे तो उसमें हमारा सेटिस्फैक्शन कम हो जाएगा। थर्ड ग्लास का पानी का यूज़ करेंगे तो उसमें सेटिस्फैक्शन और कम हो जाएगा, और सो ऑन। ऐसे ही ऑन बोर्ड हमारा सेटिस्फैक्शन कम होता जाएगा और एक ऐसा लेवल आएगा जब हमारा सेटिस्फैक्शन ज़ीरो हो जाएगा, यानी पानी पीने से हमें कोई भी सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा। और उसके बाद जब हम पानी और पियेंगे तो फिर हमें माइनस में सेटिस्फैक्शन लगने लगेगा कि नहीं अब पी नहीं सकते हैं, अब वोमिट हो जाएगी, तो वो माइनस में सेटिस्फैक्शन चला जाएगा। बट यहाँ पर हम टी यू में क्या देख रहे हैं? यहाँ पर टी यू में हम देख रहे हैं कि हमारा एम यू तो डिक्रीज कर रहा है 8, 6, 4, 2, 0, -2, बट यहाँ पर हमारा टोटल यूटिलिटी क्या कर रहा है? टोटल यूटिलिटी हमारा देख रहे हैं एक इंक्रीजिंग ऑर्डर में इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। लेकिन ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में जो हमें इंक्रीज करता हुआ दिखाई दे रहा है ये एक्चुअली इंक्रीज नहीं कर रहा है। इंक्रीजिंग ऑर्डर में भी एक दूसरी कंडीशन एप्लीकेबल है, तो इसको समझने के पहले हमें जान लेना चाहिए कि इंक्रीजिंग क्या है। तो इंक्रीजिंग तीन प्रकार का होता है, एक इंक्रीजिंग रेट से इंक्रीज कर रहा है, दूसरा इंक्रीज तो कर रहा है बट डिक्रीजिंग रेट से इंक्रीज कर रहा है, और तीसरा कांस्टेंट रूप में वो इंक्रीज कर रहा है। इसे अगर हम आगे शेड्यूल से देखें तो यहां पर देखा जा सकता है क्या देखा जा सकता है, ये देखते हैं। ये जो इंक्रीजिंग रेट से इंक्रीज कर रहा है, क्लियर है, यहां पर देख रहे हैं हम पहला इंक्रीजिंग रेट से इंक्रीज कर रहा है, मींस 4 से 10 जा रहा है, 10 से 18 जा रहा है, यानी कि 4 से 10 यानी कि 6 एडिशनल, 10 से 18 यानी कि प्लस 8 एडिशनल, और यहां पे प्लस 6 यानी कि 6 से ज्यादा है ना 8, यानी कि इंक्रीजिंग वे में ये इंक्रीज कर रहा है। ओके, गॉट इट। एंड सेकेंड वन क्या कह रहा है, ये इंक्रीज तो कर रहा है बट डिक्रीजिंग रेट से, डिमिनिशिंग रेट से कर रहा है। जैसे 4 to 8, 8 to 11, 4 से 8 में हमने प्लस 4 किया, बट 8 से जब हम
11 पे आते हैं तो यहाँ पर प्लस 3 हो जा रहा है, यानी कि ये डिक्लाइन कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, डिमिनिश कर रहा है। तो इंक्रीजिंग तो हो रहा है बट डिमिनिशिंग रेट से हो रहा है, डिक्रीजिंग रेट से हो रहा है। और कॉन्स्टेंट में हम देखते हैं कि यहाँ पर 4, 8 है प्लस 12 है, यानी कि बराबर बराबर इंक्रीज कर रहा है। तो इसे इंक्रीजिंग इन कॉन्स्टेंट वे, यहाँ पर इंक्रीजिंग इन डिमिशिंग रेट या डिक्रीजिंग रेट, यहां पर इंक्रीजिंग इन इंक्रीजिंग रेट। क्लियर है? अब आते हैं इस शेड्यूल में, देखते हैं कि यहां पर हमारा जो टीयू है वो टीयू क्या कर रहा है, इंक्रीज तो कर रहा है, प्लस फोर प्लस टू, यहां पर 0, यहां पर -2, यहां पर इंक्रीज तो कर रहा है बट इंक्रीजिंग इन डिक्रीजिंग रूप में कर रहा है, और MU हमारा क्या कर रहा है, डिक्रीज हो रहा है। मींस यहां पे ये कहना क्या चाह रहा है कि जब भी हमारा MU डिक्रीज करेगा हमारी टोटल यूटिलिटी जो है वो इंक्रीज तो करेगी बट डिक्रीजिंग रेट से इंक्रीज करेगी। क्लियर है? तो ये यहां तक आज इतना आपको मैं बताया हूं। इसे घर पे प्रैक्टिस कीजिएगा, इससे एक न्यूमेरिकल 3 मार्क्स के आते हैं, उसे देखिएगा, फिर आगे मैं बताऊंगा। यहां तक किसी को भी किसी प्रकार की कोई समस्या हो तो पूछ सकते हैं। थैंक यू क्लास।